निराला टीवी में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। मैं राशिद निराला हाजिर हो चुका हूँ एक और वीडियो के साथ। और इस वक्त हम खड़े हैं वार्ड नंबर 10 और 11 की, ये गली है सुढ़ोरा की, जो पीर बुद्धू शाह गुरुद्वारे को जाने वाली गली है मेन बाजार से। देख सकते हैं नाली से किस प्रकार ये पानी बाहर उछला हुआ है। अभी बरसात का सीज़न भी शुरू नहीं हुआ, लेकिन ये पानी दुकानों के आगे से किस तरह से निकल रहा है। दुकानदार काफ़ी परेशान हो चुके हैं, मोहल्लावासी काफ़ी परेशान हो चुके हैं। तो चलिए बातचीत करेंगे, कब से समस्या है और क्या कुछ इन्होंने इसको लेकर जो इस संबंधित विभाग के जो लोग हैं उनसे बात की है, एप्लीकेशन वगैरह दी है। तो दोस्तों इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं दुकानदार गुरमेल सिंह, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पानी को लेकर, कब से समस्या है जी? सर ये बहुत दिनों से समस्या है और इसकी कंप्लेंट जो है हमने कमेटी में भी करवाई है और जो हमारे यहाँ के पार्षद हैं उनके नॉलेज में भी है। तो कंप्लेंट को भी लगभग 1 महीने से ऊपर हो गया है, तो बार बार फ़ोन करते हैं कोई आता नहीं है। ये देख लीजिए आपके सामने क्या हाल है। अच्छा फिर आगे गुरुद्वारा साहब भी हैं, आने जाने वाले सरदार लोगों को भी परेशानी होती है जो मत्था टेकने के लिए जाते हैं। सारे बाजार का यहाँ पे यही हाल है। आपने इसको लेकर कंप्लेंट की, उसके बाद कोई कार्रवाई हुई या नहीं? नहीं सर कोई कार्रवाई नहीं। तो पार्षद से जब आपने इसके संबंध में बात की होगी, उन्होंने क्या कुछ आश्वासन? आप बोलते हैं जेई साहब मुआयना करने के लिए आएंगे, अभी तक तो कोई आया नहीं है। कई बार उनको बोल चुके हैं, कहते हैं जी आएंगे, कई बार 200 बार मुआयना हो चुका है इसका यहाँ का, तो हर रोज की समस्या यही है। सतनाम जी आप बताइए, आपका तो घर भी है यहाँ पर, कब से समस्या आपको देखने को मिली? तो ये समस्या लगभग 1.5 से 2 साल पुरानी है, जब से यहाँ गलियाँ बनी हैं उसके बाद से कंटिन्यू ये समस्या है। इसके बारे में हमने कम से कम कमेटी को 20 बार लेटर में लिख के दे दिया है। वो क्या करते हैं कि स्वीपर बदल देते हैं और उसके बाद कोई इलाज नहीं है। जेई साहब भी आगे देखे, सारे देखे, बोले बड़े पाइप डलेंगे, ना तो बड़े पाइप डले ना छोटे पाइप डले, वह कुछ नहीं है, जस का तस है। और ये नॉलेज में हमारे एक वार्ड नंबर 13 या 12 है, अशोक नंबरदार जी हैं, वो पार्षद हैं, वो भी यहाँ से, उन्होंने भी डाल के देखा। सुरक्षा गुप्ता जी के जो आगे कमांडर हैं उनके, उन्होंने भी देखा है, उन देख के सब देख के जा चुके हैं, लेकिन अब तक कोई भी इसका स्थायी हल नहीं हुआ। ये रुकता है, हम पहले विक्रम था सुपरवाइजर था, उसको फोन करते थे, वो बंदा भेज देता है, लेकिन अब कोई नया सुपरवाइजर आ गया है, उसको परवाह ही नहीं है, उसको बुला के 20 बार दिखा दिया, आता है चला जाता है, आता चला जाता है। ये नालियों की सफाई ना होने की वजह से इस तरह से पानी रुक, नालियों की सफाई का हम ऐसा नहीं कहते, स्वीपर तो आता है रोज, बट वो इसका कोई स्थायी हल नहीं हो रहा। आता है वो लिफाफे निकालता है, समझ आता है ये पाइप है जाम हो जाते हैं, इसका कोई स्थायी हल नहीं हो पा रहा। हमने सुपरवाइजर विक्रम को कई बार बुला के दिखाया, उन्होंने जेई साहब को बुलाया, जेई साहब और एमई साहब दोनों आए, सर मुआयना करने चले गए, बोले पाइप गलत डले हुए हैं। भी गलत डले जब डल रहे थे हमने तब भी रोका कि पाइप छोटे हैं ये बाजार में नहीं चलेंगे, तब भी उनके कान पर कोई जो नहीं लगी, जो ठेकेदार था वगैरह ये तो ऐसे चलेंगे, आप ज़्यादा उंगली करोगे तो काम रोक देंगे। तो ये मतलब धमकी देते जब बाजार बढ़ रहा तब भी उन्होंने धमकी दी, सीधा बोला जी कि अगर काम रोकोगे तो हम यही रोक देंगे इस काम को, आपका काम 6 महीने रुके 7 रुका रहे परेशानी आपको होगी, क्योंकि हमारा तो घर है, सारी दुकानें हैं, सब दुकानदार सारे परेशान हैं। आप ये देखिए नालियों के ढक्कन टूटे हुए हैं, कोई ढक्कन नहीं है किसी नाली के ऊपर। आप कहीं भी देखते आ गए सारे बाजार में देख लीजिए, कहीं भी कोई सुनवाई नहीं है, कहीं चले जाओ कोई सुनवाई नहीं है। MEJ सब घूम के चले गए, उसके बदली हो गए, दूसरे भी आ गए, तीसरे भी आ गए, लेकिन कोई स्थायी हल इसका नहीं हुआ। विक्रम स्वीपर ने भी हाथ जोड़ के क्लियर वहाँ पे लिख के तक दे दिया, विक्रम जी ने, विक्रम सुपरवाइजर था उसने भी लिख के दे दिया है कि इसके पाइप जो है बड़े डलेंगे, छोटे पाइप की वजह से ये परेशानी आ रही है। और अगर आपसे इसका हल पूछा जाए तो आपके हिसाब से क्या कुछ हल हो सकता है? तो हल तो यही है कि या तो इसके बड़े पाइप डले या ये ओपन हो, और भी या फिर इसमें प्रॉपर 2 टाइम में सफाई हो तो भी हो सकता है। अब सफाई करने वाला एक बार आया, 10 मिनट लगाए, 15 मिनट लगाए, वो चला गया, उसके पास बस स्टैंड का बाजार का पूरा एरिया उसी के पास है, अब अकेला बंदा वो कितना काम करेगा, उसका भी एक लिमिट है, वो कितना कर पाएगा, वो करता है आएगा, अगर बस स्टैंड चलेगा उसने 8 घंटे 4 घंटे 5 घंटे जो भी ड्यूटी करनी है, वो यहाँ से पैदल चल गया इतना टाइम तो वैसे उसको हो जाएगा, या तो स्वीपरों की संख्या बढ़ाई जाए अगर इसको प्रॉपर चलाना है, नहीं तो उसका कोई और बात कोई हल नहीं है। पड़ता है सुबह आके क्या आता है, 1 घंटा लगा, 4 बजे एप्लीकेशन दे दिए, साइन करवा के दे दिए, कोई सुनवाई नहीं है ना कोई आता है, एक जमादार आते हैं 5 मिनट लगा के चले जाते हैं, कोई आते नहीं, पूरा नुकसान हो गया था दुकान का भी। दोबारा उठाई, हाँ जी हाँ जी।
नहीं, यहाँ तो पहले ही एक साल से ऐसा ही हाल हो रहा, मैं तो पहले ही दुकान छोड़ के गया यहाँ। इस चक्कर में दुकान छोड़ के चले गए? हाँ, दुकान ही बंद कर दी। जी अंकल ठीक है, यहाँ सबको परेशानी है जी, इतने में हमारी ये दुकान है साथ, कपड़े की दुकान है, हमें भी परेशानी है सर, 2000 वाला का सब आने जाने को ज्यादा परेशानी है। कोई सुनवाई नहीं कर रहा है हमारी, तो हम बहुत परेशान हो रहे हैं, कीड़े इतने अंदर आ रहे हैं, रसोई में कीड़े चल रहे हैं रसोई में, तो जमादार को जमादार नहीं सुनता, कोई नहीं सुनता है। तो दोस्तों इस वक्त हमारे साथ वार्ड नंबर 10 के जो पार्षद हैं अंकुश राणा मौजूद हैं। मोहल्ले वासियों की, वार्ड वासियों की जो पानी को लेकर समस्या है, जो गुरुद्वारे वाली गली है, तो उस संदर्भ में बात करेंगे, क्या कुछ कहना है। बताया ऐसा जाता है कि लगभग एक साल से ज़्यादा हो चुका है इस समस्या को। जी सर, क्या कुछ कहना है? देखिए निराला जी, ये समस्या पिछले 1-1.5 साल से बनी हुई है, वो वार्ड 11 की समस्या है। वार्ड 11 भी मेरे लिए उतना ही अहमियत भरा वार्ड आएगा जितना मेरे लिए अपना वार्ड 10 आएगा। उसके लिए हमने नगर पालिका में अशोक नंबरदार जी जो वहाँ के MC के प्रतिनिधि आएंगे, उन्होंने भी अपनी एप्लीकेशन दी है। मैंने भी निजी तौर पे सचिव साहब को बोला था, परंतु बीच में इलेक्शन आने के कारण, सभी आचार संहिता लगने के कारण अस्त व्यस्त हो गया था, परंतु इस समस्या का समाधान जल्द से जल्द करवाएंगे। सचिव साहब से बात करके जितना भी हो सके, जिस प्रकार जो पैप नीचे टूटे फूटे या जो लेवल में नहीं है, उनको उखड़वा कर दोबारा से पुआएंगे और जल्द से जल्द वार्ड वासियों की समस्या का समाधान करेंगे। वार्ड 11 के लोग भी मेरे लिए उतने ही प्यारे हैं जितने वार्ड 10 के लिए हैं, वार्ड 10 के लोग मेरे लिए हैं। मेरे अपने परिवार की तरह उनको मानकर उनकी समस्या के समाधान के लिए उनके MC के साथ बिल्कुल कदम से कदम मिला के जो भी उनका समाधान होगा करवाएंगे और सुचारू रूप से उसकी निकासी की व्यवस्था करवाएंगे।